गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एमबाई बचीव बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आई एम योर मैथ्स मेंटर प्रबल लवानिया। कैसे आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है। और अपने दोस्तों के साथ एक एक बार सेशन को शेयर करके आ जाइए, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है। कमऑन, जल्दी से सेशन को शेयर कराइए, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्रॉपरली नाउ। मेरी आवाज प्रॉपर वॉइस एंड विजिबिलिटी सारी चीजें क्लियर होंगी, लाउड होंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करें सेशन। तो आज का सेशन है SBI क्लर्क 2023 का, जो आपका एग्जाम होने वाला है जनवरी में। उसके लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, पार्ट वन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर रिकॉर्डिंग है सेशन की, आई नो, बट एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द लाइव सेशन। बट मैंने सोचा कि आपका क्लास का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्लास आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं है। इसीलिए मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग रखी है कि आपका नुकसान नहीं हो, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिले और आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो पाए, राइट? चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ। सो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या आएगा। ए ने इन्वेस्ट करा 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे 5N ईयर्स के लिए 15% पे। बी ने इन्वेस्ट करा है 3000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे एन ईयर्स के लिए 20% पर एनम पे। जो इंटरेस्ट मिला है बी को, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला है 1320 रुपये का मिला है, तो आपको बताना है ए को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब ए को जो टोटल इंटरेस्ट आपको देना है वो कितना देना है, ये आपको बताना है। देखें चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है 2000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे 5N ईयर्स के लिए, एन की वैल्यू नहीं पता। बट बी के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपने जो 3000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है, वो आपको एन ईयर्स के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 1320 मिलेगा। तो अगर ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा, ऐड कर देंगे 4320। अब आपके पास टाइम नहीं है, प्रिंसिपल और अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 आपका प्रिंसिपल, 1 का इंटरेस्ट और 6 आपका अमाउंट, ठीक है? कैंसिल कर देते हैं, 6 से ये कट गया 50, 6 7 6 2 2 से 25 और ये 36। 5 की वैल्यू 25, 6 की वैल्यू 36, स्क्वायर दिख रहा है सीधे सीधे। स्क्वायर का मतलब है टाइम 2 साल है, मतलब n की वैल्यू अपनी 2 हो चुकी है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? डन है। n की वैल्यू 10 है, सॉरी 2 है। आपको बताना है 2000 रुपये पे 5N ईयर्स के लिए, मतलब 5 2 10 ईयर्स के लिए 15% पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 20 से ये कैंसिल, 300 का 10 गुना 3000 रुपये, मतलब आपका जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3000 रुपये। कोई दिक्कत किसी को? आराम से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई चीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क फॉर दैट। क्लियर? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो पहले आपने एन निकाला, एन की वैल्यू को यहां पे पुट करा तो 10 10 into 15 150%, तो 150% आपका इंटरेस्ट होगा 2000 का 150% 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ आपको चलना है,
देन इजिली यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, निकालिए. मैं 30 से 40 सेकंड आपको दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. 30-40 सेकंड बहुत है ना. एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. अ बोट कवर 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 11 आवर. तो भैया क्वेश्चन में बोला है 200 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाओ, 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाओ, टोटल 11 घंटे में. डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो डबल है अप स्ट्रीम का, डबल है अप स्ट्रीम का. जो बोल रहा है सिर्फ वो करना है. प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस का 2y, एक्स इक्वल टू 3y, यानी कि x अपॉन वाई आपको कितना मिल गया, 3/1, 3a और a. तो 200 अपॉन एक्स प्लस वाई मतलब कि 4a, 120 अपॉन 3a में से ये गया 2a, 11. एक सौ दस मतलब ए की वैल्यू 10 आ चुकी है. तो आपसे पूछा है टाइम टेकन बाय द बोट, बोट को कितना टाइम लगेगा 90 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में. स्टिल वाटर मतलब एक्स, तो 3 × 10 = 30 कैंसिल करेंगे, 3 घंटे का समय लगने वाला है. बी ऑप्शन क्लियर है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन. सभी को प्रॉपरली समझ में आ चुका होगा कैसे करना है. डन है, ठीक है. नहीं दिख रहा हो तो एक बार मैं हाइड हो जाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिख जाए. समझ लो, कोई अगर चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप देख सकते हो. चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आराम से पढ़िए. प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है. अ बैग कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ पाइनएप्पल, गुआवा एंड जैक फ्रूट. द नंबर ऑफ पाइनएप्पल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ गुआवा एंड द नंबर ऑफ जैक फ्रूट इज 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 पाइनएप्पल इज 4/9. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 गुआवा. निकालिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, रिलैक्स होके, और आंसर बताइए क्या आएगा. आई होप मैक्सिमम लोग आंसर निकाल पाए इस क्वेश्चन का. इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के साथ चलना है एंड यू विल इजीली फाइंड द आंसर. निकालिए, तीन तरीके के फ्रूट है, पाइनएप्पल, गुआवा और जैक फ्रूट. द नंबर ऑफ पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल है वो ट्वाइस है गुआवा का. तो पाइनएप्पल और गुआवा का जो रेशियो है वो 2:1 है. 2x और x मान लिया है ना. जैक फ्रूट कितने हैं, 6. पाइनएप्पल मिल गया, गुआवा मिल गया और जैक फ्रूट मिल गया. आगे क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 1 पाइनएप्पल, एक पाइनएप्पल सेलेक्ट करना है 2x, टोटल 3x + 6 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 4/9. 9x = 6x + 12 = 4. ठीक है, x इक्वल टू 4 है मतलब पाइनएप्पल आपके पास 8 हो गए, ये आपके पास 4 हो गया. आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 गुआवा, 2 गुआवा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी. गुआवा आपके पास है 4, तो 4c2, और टोटल फ्रूट है 8 और 4 = 12 और 6 = 18 c2. तो 4 × 3/18 × 17, 2/51 आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन. देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को.
नो प्रॉब्लम। डन। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन्स का क्वेश्चन है। ट्रेन ए जो है वो किसी पोल को क्रॉस करेगी टी सेकंड में और एक टनल को क्रॉस करेगी टी प्लस 2.5 सेकंड में। द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए और बी जो ट्रेन है, स्पीड है 32 और 64, 32 मीटर पर सेकंड ए की स्पीड है, बी की स्पीड है 64 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए क्रॉस कर रही है ट्रेन बी को ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड में और लेंथ ऑफ ट्रेन बी 320 मीटर है, तो टनल की लेंथ आपको बतानी है। देखो, ट्रेन ए ने बी को क्रॉस करा, ट्रेन ए की लेंथ आपको नहीं पता बट ट्रेन बी की लेंथ है 320 मीटर। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, स्पीड हो जाएगी 32 और 64 96। एंड टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए 160 मीटर। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ए ने टी सेकंड में एक पोल को क्रॉस करा, तो पोल को क्रॉस करने के लिए खुद की लेंथ के बराबर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 160 इक्वल टू टी इंटू स्पीड कितनी है ट्रेन ए की? 32, तो ये 5, तो टी की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? आगे बोला है टनल को क्रॉस कराए ट्रेन ए ने, तो ट्रेन ए 160 और जो टनल है वो TN मान लेते हैं, तो स्पीड है 32 इंटू टाइम कितना लगा? टी प्लस 2.5, 5 प्लस 2.5 7.5, मतलब 15 का आधा 240, तो टनल की लेंथ हो जाएगी 240 माइनस का 160, 80 मीटर। तो जो टनल है अस्सी मीटर का है। ठीक है, क्लियर है? तो आपको अगर टनल की लेंथ निकालनी है तो टनल की लेंथ हो जाएगी 80 मीटर। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बढ़िया, आई होप मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इसका आंसर बताइए, निकालिए। ए और बी एंटर करते किसी पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 3500 और एक्स रुपीज। 3 महीने के बाद ए ने विड्रॉ कर लिया 14.28% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका 14.28 पार्ट विड्रॉ कर लिया, और बी ने ₹500 ऐड कर दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद जो प्रॉफिट है वो 25 और 23 का हुआ। देखो, ए और बी दो लोग हैं, पहले आप लोग निकालो कितना आ रहा है। आई होप मैक्सिमम लोग ने आंसर निकाल लेंगे बट ट्राई करो। 25 सेकंड देता हूँ, 20 से 25 सेकंड ट्राई करो कि आंसर क्या आएगा। इजी है, एक हिंट दे देता हूं कि अगर आप एक्स की जगह 100x लेके चलोगे ना तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाए, क्योंकि जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। आंसर तब भी आएगा अगर नहीं लोगे 100x तब भी, बट कैलकुलेशन को आप इजी बना पाओगे, है ना। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3500, बी का इन्वेस्टमेंट लेस सपोज 100x। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक यही पैसा है, 14.28% 1/7, 3500 का 1/7 पार्ट 500 विड्रॉ कर लिया, तो बचा 3000 अगले 9 महीने के लिए। ठीक है,
आगे, और 3 महीने के बाद बी ने ऐड कर दिए 500 रुपये, तो 100x+500 हो गया अगले 9 महीने के लिए। ठीक है, 2-0, 2-0, 2-0, और ये भी 2-0 कैंसिल, कोई दिक्कत यहां तक। अब आपके पास, अगर मैं यहां पे बात करूं कि ए का इन्वेस्टमेंट टोटल कितना है, मतलब ए का प्रॉफिट कितना है, ये तो 375 ए का प्रॉफिट है। बी का प्रॉफिट 3x+9x+45, 25 और 23, 25 वन 12x+45, 15 3 45, 345 एक्स इक्वल टू 300/12। तो आपको क्वेश्चन में निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी का 100x है, तो 100 × x की वैल्यू 300/12, 3 से कट गया 4, 4 से कट गया 25, यानी कि 2500 आपका इन्वेस्टमेंट है किसका, बी का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी का कितना है, 2500। एक बार देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये एजेस का क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ के देखिए एक बार। द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज 4/5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। रोहन और मोहन की एज है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रोहन एंड सोहन इज 4:3। रोहन यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो रोहन, मोहन और सोहन, रोहन 4 है, मोहन 5 है, सोहन 3 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 साल पहले जो सम है रोहन मोहन और सोहन की एज का 93 है। रोहन मोहन सोहन 5 और 4 9 3 12, 12x, तीनों की 5 साल कम करेंगे तो 15 साल, 93, तो 12x=108, x=9। आपसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सोहन, एक्स की वैल्यू 9 है, 9 3 27, तो सोहन की प्रेजेंट एज है 27 साल। देख लीजिए, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि समझने लायक नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है, इजी है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, निकालिए कितना आएगा।
चलिए देखें। देखो आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, पी वाला जो पाइप है वो 1 घंटे 12 मिनट यानी कि 72 मिनट में टंकी को फिल कर रहा है, क्यू वाला जो पाइप है वो 48 मिनट में टंकी को फिल कर रहा है। आई होप मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका होगा, आई नो दिस, क्योंकि क्वेश्चन के साथ अगर आप चले हो तो आंसर निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टोटल वर्क 144, 2 पर मिनट, 3 पर मिनट। क्वेश्चन में बोला है क्यू और आर की एफिशिएंसी का रेशियो है 1:2, तो क्यू की एफिशिएंसी ऑलरेडी 3 है, 1 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 to the 6। अब क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पी क्यू आर को एक साथ ओपन करा गया, फिर उसके बाद क्यू और आर को कितने टाइम बाद क्लोज करा जाए कि पूरी टंकी भरने में 18 मिनट लगे। एक चीज कंफर्म है, क्यू आर आर को बंद करा बट पी ने पूरे टाइम तक काम किया 18 मिनट तक पूरा, 2 की एफिशिएंसी से 36। तो पी ने टोटल कितना काम करा, 36, 144 में से मैं हाइड हो जाता हूँ जिससे आपको दिख जाए, 36 काम हो गया, बचा कितना, 108। ये 108 बचा हुआ किसने करा होगा, अभी तो आपने पी का टोटल वर्क निकाल लिया, क्यू और आर ने, तो 3 और 6 9 की एफिशिएंसी से, मतलब 12 मिनट के बाद क्यू और आर को आपने बंद कर दिया होगा। दैट्स इट, खत्म, यही बोला है, समझ आया। तो क्वेश्चन में पूछा है क्यू और आर को कब बंद किया गया, क्यू और आर को बंद करा है 12 मिनट के बाद। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। पी और क्यू एक साथ एक्स दिनों में काम को खत्म करेंगे, आर अकेले सेम काम को 3x/2 days में खत्म करेगा। पी क्यू आर मिलकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं, पी और क्यू की एफिशिएंसी है 4:5, तो आपको बताना है पी अकेले कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आप अगर लगाएंगे क्वेश्चन में तो इजीली हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। निकालिए, सबसे पहले तो एक चीज समझो, पी और क्यू मिलकर एक्स दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, है ना, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, एक साथ मिलकर 9 की एफिशिएंसी है, तो एक्स दिनों में 9x टोटल वर्क है। आर ने यही 9x वर्क 3x/2 की एफिशिएंसी से खत्म करा, तो 3 to the 6 एफिशिएंसी आर की है। पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, अब टोटल वर्क एग्जैक्ट निकल आएगा, 5 और 4 9 और 6 15, और तीनों ने मिलकर 8 दिन में काम को खत्म करा, तो टोटल वर्क विल बी 120। अब यही 120 काम आपको किससे कराना है, पी से, पी की एफिशिएंसी 4 यानी कि 30 दिन, आंसर है 30। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है और थोड़ा सा कामयाब भी हुआ है क्वेश्चन को घुमाने में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इजीली निकल सकता है। अगला क्वेश्चन, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो, ये लास्ट है। अ कार ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन 10 आवर, और 480 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया है 10 घंटे में, तो आपकी ओवरऑल जो स्पीड रही होगी वो 48 किलोमीटर पर आवर रही होगी, है ना, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, 480 का 1/3, 160, ये 32 की स्पीड से ट्रेवल करा तो 5 घंटे लगे, 5/12 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड, 5/12 मतलब कि 200 किलोमीटर आपने ट्रेवल करा 40 की स्पीड से, फिर 5 घंटे लगे,
आगे बोला है रिमेनिंग कितना बचा, 200 और 160, 360, रिमेनिंग बचा 120। अब आगे क्या बोला है, द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड एट द रेट ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर, देन इट टेक्स 2 आवर मोर देन द ओरिजिनल टाइम। मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, मतलब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसके लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा और लगेंगे, मतलब आपकी जो स्पीड रहेगी वो 60 किलोमीटर पर आवर आपको लेके चलनी पड़ेगी। एक बार देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मैं दोबारा बता दूं। क्लियर है? बढ़िया। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी 4 बजे, 4 बजे का सेशन ज़रूर देखिएगा। सेशन की लिंक मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रबल सर एम्बाइब। आप सर्च करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सारे सेशन की लिंक और PDF मिल जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.